हेलो पब्लिक, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पोकेमोन यूनाइट, जिसमें आज हम खेलने वाले हैं ग्रेनिंजा सर्फ। आई नो कि वाटर शुरू के इनको बफ वगैरह मिले थे, लेकिन भाई ग्रेनिंजा सर्फ भी इतना बुरा नहीं है, बहुत ओपी है भाई। एंड हम सोलो क्यू में इसको खेलने वाले हैं। एंड मैंने अटैक वेट लगा रखा है, हाँ मैंने अटैक वेट वाला बिल्ड लगा रखा है। वैसे मैं अटैक वेट चलाता नहीं हूँ इस पर, लेकिन हाँ इस बार अटैक वेट हम खेलने वाले हैं निंजा पे। सो पहले थोड़े से स्टैग वगैरह कर लेते हैं, तब तक भाई जो भी स्ट्रीम बोलने वाला था, जो भी वीडियो पर आ रहा है भाई लाइक कर दो, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना भाई। एंड अभी थोड़े बहुत स्टैग वगैरह कर लेते हैं। इस फ्रोकी को भाई मैं कुछ फार्म ना देने वाला, ये रोएगा आज, ये बच्चा रोएगा आज, ये मेरे से तो चुरा ना पाएगा। और इसको भाई कोई एक मिनट, इसको कोई सपोर्ट भी नहीं देने आ रहा भाई, लाइक सपोर्ट नहीं वाला, इसका कोई टीममेट भी नहीं आ रहा, ये अकेला हम दोनों से लड़ रहे हैं। लगता है तीन लोग ऊपर चले गए या फिर दो लोग इनके जंगल में लड़ रहे होंगे, ऐसा कुछ सीन हो सकता है। मतलब या तो एक बंदा ऊपर चला गया या फिर वो जंगल में बहस कर रहा होगा घिस से। एंड भाई अपना सही है, अपने को तो फार्म फूम मिल गया भाई। अरे कितने व्हाट द हेल, मेरे चार स्टैग हो भी गए। चलो ये भी कर ही लेते हैं, मैं तो मजे मजे में लगा हुआ था भाई, मैंने देखा ही नहीं स्टैग वगैरह हो गए मेरे इतने। भाई पूरे कर ही लेते हैं, फिर एक और चाहिए, इसको मार मूर देते हैं भाई, मिल जाएगा मर्दा। आइए भाई, लिटरली पूरे स्टैग कर लिए इतनी जल्दी। नीचे गोल करके मैं फार्म लेने गया, जंगल लेके सीधा मैं ऊपर आ गया। जंगल भी सारा नहीं था भाई, थोड़ा सा ही था। एंड यहाँ पे देखा कि फाइट चल रही है, सो यहाँ पे लुकारियो डेड हो गया, मेरा सर्फ आ चुका है, सो ऑब्वियसली सर्फ के साथ जाएंगे। एंड लेट्स गो, गया 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 भाई, आइए। एंड हाँ एक और पते की बात बताता हूँ, मतलब किसी को रियली टारगेट नहीं कर रहा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ नॉर्मली। मतलब लाइक ये जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं ना कि भाई ये एम्बलम बिल्ड लगा लो, ये कर लो, भाई तुम ऑब्वियसली जीत जाओगे मैच, मतलब सारे मैच जीत जाओगे, बस ये वाला बिल्ड रखो अपना, ये एम्बलम लगा लो भाई। हाँ एक हद तक ये भी सही है, इनसे भी फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर तुम सोलो क्यों खेल रहे हो ना, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे एम्बलम्स अच्छे लगे हों भाई, तुम्हारे हेल्थ आइटम सही लगे हों, उससे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कुछ हद तक फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे गेम प्ले पे, बट पूरा तुम मैच भाई उस बेस पे नहीं जीत सकते। तुम्हारे टीममेट्स का टीम वर्क, तुम्हारे टीम वेज, मतलब टीममेट्स के स्किल्स, वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं भाई। मतलब नल्ले टीममेट आ जाएंगे तो क्या कर लोगे बताओ। मतलब मान लो रिक्वाजा आ रखा है, एक बंदा उनका गोल, मतलब हमारा उनके गोल करने जा रहा है, एक बंदा इधर हमारा फार्म ही लेने लगा हुआ है, कह रहा है यूनाइट फार्म करके आऊँगा, मतलब क्या कर लोगे भाई तुम अकेले फिर। एंड यहाँ पे ये देखो भैंस की स्टील, आइए। लाइक यहाँ पे तुम देख लो, डेसी था, एलडी थी, मतलब एटलीस्ट इनको पता है कि भाई रेजिला की पे ज़रूरत है, रेजिला की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो टोटल को देखो भाई, वो ऊपर आया तक नहीं, वो आराम से अपना फार्म करने में लगा हुआ है, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, उसको अपने लेवल से मतलब है भाई। ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम टीम वर्क करना चाहिए। सो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे हेल्थ आइटम सारे सही लगे होने चाहिए, तभी तुम मैच जीतोगे भाई। टीममेट्स की बदौलत भी तुम जीत सकते हो, बस अच्छे टीममेट्स होने चाहिए। एंड तुम सोचोगे ये सारा लेक्चर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले मैच में मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हुआ भाई। लाइक एक मैच मैंने सोचा ग्रेनिंजा से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, भाई टीममेट्स ने क्या दिमाग ख़राब किया मेरा, मैंने लिटरली गेम बंद कर दिया, मैंने बीच मैच के गेम बंद कर दिया, मेरे पॉइंट्स माइनस हो गए भाई उस चक्कर में। एंड यहाँ पे हमने रेजिला की बिल्ली, एंड रेजी स्टील भी ले लिया, रेजिला की बिल्ली लिया, एंड यहाँ पे थोड़ा उनका फार्म वगैरह ले लेते हैं। अरे मेरी पॉकेट में पैसे पड़े हैं, माँ की हम, अरे जेब में पैसे पड़े थे भाई, मेरा हाथ जेब में गया, मैंने देखा ये पैसे कहाँ से आ गए, 100 रुपया भाई, पार्टी करेंगे निंजा, तू डेड हो जा, पार्टी है मेरी आज, आइए। मैं आइए कितना नाइस बोलता हूँ, मज़ा आ जाता। और ये देखो भाई, इसने यूनाइट चला के सही तो किया, क्योंकि ये वरना वहीं पर मर जाता, लेकिन ज़्यादा बच नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास भी यूनाइट है। आ जा बेटे, आ जा तेरे को बताऊँ भैंस की। अरे पोशन लगा रखा है बे नल्ले ने, चलो ये तो गया, इसको मार सकता हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, लुका आ गया भाई, बेस पे जाना पड़ेगा वरना रश रुश हो जाएगा बाद में कंगाल। वैसे तो ऐसे भी रश हो सकता है, क्रैमो के पास यूनाइट होगा उनके, अगर उनके क्रैमो ने यूनाइट चलाया फिर थोड़ा काम मुश्किल। अरे निंजा आ गया यार, शिट, अरे भाई मेरे को लगा यूनाइट चला, अरे इसमें सच ने यूनाइट चला दिया। लाइक पहले मेरे को जब लगा इसने यूनाइट चलाया, तब वो क्लोज कॉम्बैट था, मैं नल्ला हूँ। हाँ ये एक गया, ये लोग भी जाएंगे नल्ले हैं, इनको यहाँ पे यूनाइट बहुत गलत चला इन्होंने, लाइक कुछ घंटा डैमेज नहीं पड़ा इनकी यूनाइट से। लाइक गलत भी नहीं, चलाने तो चाहिए थे रश करने के लिए, लेकिन उन्होंने गलत इंसान के आगे यूनाइट चला दिया, मैं ये कहूँगा। एंड भाई यहाँ पे निंजा भाग गया, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा जंगल वगैरह ले लेता हूँ, थोड़ा लेवल अपना ओवर लेवल होना चाहिए भाई, अंडर लेवल नहीं, ओवर लेवल होना चाहिए भाई मैच में। ग्रेनिंजा के साथ ओवर लेवल रखोगे ना अपना, जो तुम्हारे क्रिट्स जाते हैं ना, जो डैमेज जाता है, मतलब बहुत गंदा डैमेज जाता है भाई। कल स्ट्रीम पे सामने ओपोनेंट में एक ग्रेनिंजा आया, उसका लिटरली मेरे से एक लेवल ज़्यादा होगा,
उसने एक बेसिक अटैक में मेरी हाफ हेल्थ खाई थी, मतलब उसका जो तीसरा वाला बूस्टेड अटैक था हाफ हेल्थ गई थी मेरी पूरी उस पर, इतना गंदा क्रिट पड़ा था, सिर्फ एक लेवल ज़्यादा था वो मेरे से। डूड मतलब सीरियसली ग्रेनिंजा इतना डोप है ना। एंड यहाँ पे भाई रेजी लकी फिर से अपने ही हाथ में है भाई, कोई नहीं आ रहा उनकी टीम का लेने के लिए। एंड देयर वी गो, हालांकि मैंने सर्व थोड़ा जल्दी चला दिया बट उनका कोई था ही नहीं इसलिए स्टील नहीं कर पाए। एंड ये मैसेज आ रहे हैं, सॉरी फॉर डैट, अरे अरे अरे। एंड यहाँ पुश तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, उनकी पूरी टीम आ रखी है ऊपर, सो मैं नीचे गोल करने जा रहा हूँ। एंड तुम बोलोगे कि डर के भागे ऊपर से, ऐसा नहीं है, मैंने मेरी ये जो हेल्थ है ना ये उसी वजह से है, मैंने ऊपर पुश करवाने का ट्राई किया था उसी में ये हेल्थ गई है मेरी। सो वो तो वीडियो लंबी नहीं करनी इसलिए बोरिंग वाले पार्ट्स काट दिए, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड यहाँ भाई ये देखो ये नल्ले लोग कहाँ, क्या सोच के, क्या 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 सोच के आए हो भाई। अरे यार ये मार देगा, अरे डूड शिट। यहाँ पे मैंने ये सोचा था कि ये मेरे, मतलब मैंने स्मोक स्क्रीन करके चला गया ये सोच के ये यूनाइट अपना बंद कर देगा और फिर मैं सर्फ मार दूंगा, भाई उसने यूनाइट बंद नहीं किया और मैं खड़ा खड़ा मर गया, मतलब मेरे जाल में मेरे को फंसा दिया साल ने। यहाँ उनका क्रैमो पता नहीं अपने आप को क्या समझ के शेरशाह सूरी बन के घूम रहा था भाई, उसकी तो भिंडी बन गई भाई। पता नहीं अपने आप को कौन सा टैंक समझ रहा था जो अकेले घूम रहा है, लिटरली हमारे जंगल में घुस रखा था, वहाँ से भगा के वहाँ तक लेके गए हैं। एंड यहाँ मेल्ट कर रिक्वायर था क्योंकि उनका ग्रेंजा उधर गोल कर रहा था, इधर क्रैमो मर चुका है, एक लुकारियो भी ऑलमोस्ट मर गया, ये यूनाइट मतलब लुकारियो भी गया, सो ईजी पीजी हम स्टील कर सकते थे। एंड वो तो हम हैं ही जोड़ भाई स्टील करने में, गार्चों भी पता नहीं कहाँ से बीच में आया और भिंडी बन के निकल लिया। एंड यहाँ पर हम जा रहे हैं सीधा गोल करने और क्रैमो भाई बीच में आ गए और वो भी मर गए। और ये भाई मेरे को गोल करना था, चीटिंग भाई, सरेंडर कर दिया भाई, चीटिंग भाई, लेकिन सही है जीत गए भाई, फालतू में और टेंशन नहीं हुई। एंड देखते हैं भाई कितने किल कितने गोल, क्या सीन है। एंड 463 गोल्स एमवीपी ऑब्वियसली 175-13 आइए। सो इस मैच के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट जिस पोकेमोन के ऊपर वीडियो चाहते हो वो बन जाएगी, जैसी वीडियो चाहते हो वैसी वीडियो बन जाएगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज केवी लॉगिंग ऑफ एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।